Yes sir, next topic, agli baat, agla topic hai chapter number 27, General Provision under Customs Act. Sir, sabse pehla point hai section number 3, Customs Officer, kon, sir, Customs Officer, wohi, Chief Commissioner, Principal Chief Commissioner, Commissioner, sir, Principal Commissioner, Joint Commissioner, sir, ACDC, aur hai na, Superintendent bita, then Commission Appeals, ya, any other officer appointed by CBIC bicha. Okay, sir, then na, ye sare officer appointed kon karega, CBIC appointed karega, unke jurisdiction bhi, CBIC fix karega, par CBIC chahe to, Chief Commissioner, Commissioner, Joint Commissioner, Addition Commissioner, ACDC को power दे सकता है कि तुम चाहो तो ACDC के below rank वाले officer को तुम ही appoint कर देना बेटा. Okay, sir, then देना CBIC के पास ये power है कि वो चाहे तो central government, state government या local authority के किसी भी other officer को appoint कर सकता है to discharge the function of any custom officer. और अगर किसी ऐसे officer को appoint कर दिया, तो ऐसे case में such officer will be treated as if he is the normal custom officer. और सारे power जो custom officer के पास होते हैं, वो सारे power उसके पास भी होंगे बच्चा. Clear? फिर power of custom officer क्या होता है? वो सारे power जो उसको दे रखे, वो plus any of the officer can exercise powers of his subordinate officer per commission appeals cannot exercise the powers of any adjudicating authority except power to summon. Okay, sir, port wagar appoint kon karega? CBIC. CBIC will appoint the port, airport, land custom station, inland container depot, container flat station. Or by land agar aata hai ya by inland waterways aata hai, to aise case mein route bhi fix karega kon? CBIC ki is route se aapko aana hai. Okay, then coastal port bhi appoint karega kon? CBIC. Foreign post office plus international courier terminals bhi kon appoint karega? CBIC, jahan se import export hoga. Then section number 8 aata hai kya? Custom area. Every commissioner of the customs port jiska us jurisdiction mein custom area aata hai, sorry, custom port ka jurisdiction commissioner kya karega? Custom area define karega. और जो कस्टम एरिया डिफाइन कर दिया वहीं पे गुड्स का लोडिंग अनलोडिंग होगा. गुड्स विल रिमेन इन कस्टम एरिया अनलेस अ वैलिड ऑर्डर हैज बीन पास्ड फॉर क्लियरेंस ऑफ द गुड्स. ओके, देन आता है क्या? एम्बार्किंग एंड डिसएम्बार्किंग प्लेसेस, बोर्डिंग स्टेशन. सर, सीबीएसई विल अपॉइंट द सॉरी कस्टम पोर्ट का जो कमिश्नर का वो ओपन करेगा कौन? वो ओपन करेगा क्या? सर, एम्बार्किंग प्लेसेस जहां से कस्टम ऑफिसर विल एम्बार्क द वेसल for the purpose of verification और वहां से डिसएम्बार करेगा बच्चा. क्लियर? मतलब आपको उस वेसल पर्सन चार्ज के कैप्टन को, पर्सन चार्ज ऑफ द वेसल को वहां पे वेसल को लेके आना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि जहां से हम खड़े होते लाइन वैसे शुरू होती है. ओके, क्लियर सर? फिर बात आती है सेक्शन नंबर 11, प्रोहिबिटेड गुड्स. गवर्नमेंट के पास पावर की वो चाहे तो किसी भी गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या कर दे? प्रोहिबिट कर दे. पर अगर प्रोहिबिट कर दिया तो उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप नहीं करेंगे, नहीं तो वो कॉग्निजिबल ऑफेंस है, ध्यान रखना बच्चा. अमाउंट कितना भी इन्वॉल्व हो, क्लियर? और नॉन मेलेबल ऑफेंस है, जेल है, ध्यान रखना. और सर, प्रोहिबिटेड गुड्स प्रोहिबिट क्यों करेगा? देयर मे बी मल्टीपल रीजंस. कोई भी रीजन की वजह से गवर्नमेंट क्या कर दे? प्रोहिबिट कर दे. जैसे सर, नेशनल पीस के लिए इंपॉर्टेंट था बेटा, क्लियर? नेशनल ऑनर को डेरोगेटरी गुड्स था बेटा, क्लियर? वाइल्ड लाइफ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना, नेचुरल रिसोर्स ऑलरेडी कम है बेटा, उसको क्या एक्सपोर्ट करो बच्चा? क्लियर? मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड हार्मनी बच्चा, क्लियर? बम वगैरह इंपोर्ट नहीं करना है. कोई गुड्स जो हेल्थ के लिए हजार्डियस है बच्चा, क्लियर? सरकार कॉपीराइट पेटेंट वगैरह ओवर का उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो जाए बच्चा. ये सब रीजन हो सकते हैं. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कोई कंडीशन बच्चा, मोस्ट फेवर्ड नेशन एग्रीमेंट से कोई टर्म्स कंडीशन इस तरह की कि आप इस गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो दीज में भी कंडीशन जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर दे? प्रोहिबिट कर दे. क्लियर सर? ध्यान देना सेक्शन 11A to 11G बोलता है क्या? अगर किसी पर्सन ने कोई गुड्स इलीगली इंपोर्ट कर लिया, पहली बात तो इलीगल इंपोर्ट क्या होता है? कोई भी इंपोर्ट इन कॉन्ट्रावर्शन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. क्लियर? अगर आपने इलीगल इंपोर्ट किया तो पर गवर्नमेंट को ये नहीं पता किसने इंपोर्ट किया, कहां पड़ा गुड्स, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगा? नोटिफिकेशन इशू करेगा और बोलेगा क्या? ये गुड्स जहां पड़े, जिस कंडीशन पड़े, जिसके पास पड़े, विद इन नेक्स्ट 7 डेज हमको क्या देगा? डिक्लेरेशन देगा. हर वो पर्सन जिसके पास वो गुड्स पड़े वो क्या देंगे? डिक्लेरेशन देंगे. डिक्लेरेशन देने के बाद गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो उन एरियाज में, उन प्रिमाइसेस जाके क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है. प्लस देन ना, जब भी इसमें आप डील करोगे, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करोगे, ट्रांसपोर्टेशन टाइम में प्रॉपर इनवॉइस, प्लस गवर्नमेंट ने जो मेमोरेंडम या वाउचर दिया है वो आपके पास होना चाहिए बच्चा. प्लस गवर्नमेंट क्या करती है बच्चा? बाद में चेक पोस्ट वगैरह पे चेकिंग करके वेरीफाई करती है कि इलीगली इंपोर्टेड गुड्स तो नहीं है. क्लियर? और इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है? इसका मार्केट में डिस्पोजल को प्रिवेंट करती है. क्लियर? पर अगर आपके पास गुड्स रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस में पर्सनल यूज के लिए पड़े तो आपको डिक्लेरेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है. सेक्शन अप्लाई नहीं होता वहां पे. देन आता है सेक्शन 11H to 11M, सेम इलीगल एक्सपोर्ट के लिए. एनी एक्सपोर्ट इन कॉन्ट्रावर्शन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स मेंट देयर अंडर इज कॉल्ड इलीगल एक्सपोर्ट. अगर आपने कोई भी गुड्स इलीगल एक्सपोर्ट किया या करने वाले हो, गवर्नमेंट को पता पड़ गया, तो गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन देके बोलेगी ये गुड्स जिसके पास पड़े, जहां पड़े, जिस कंडीशन पड़े, हमको नेक्स्ट 7 डेज में डिक्लेरेशन दे. पर जिसके पास मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स अप टू ₹15,000 है, उसको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है. 15,000 तक का गुड्स है तो ओके. सर, प्रॉपर वाउचर होना चाहिए, मेमोरेंडम वाउचर प्लस टैक्स इन्वॉइस होना चाहिए आपके पास ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करोगे. पर दिस प्रोविजन विल नॉट अप्लाई टू पेटी सेल. पेटी सेल मतलब ₹1,000 तक का ट्रांजेक्शन है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे. पर मोर देन वन ट्रांजेक्शन होगा पर डे, तो ₹2,500 पर डे तक का ट्रांजेक्शन अगर है तो ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, नहीं तो अप्लाई हो जाएंगे बच्चा. क्लियर? डन सर.
अब मेन पॉइंट शुरू हो रहे हैं चैप्टर नंबर 27 के चार्जिंग सेक्शन बोलता है क्या कस्टम्स एक्ट विल बी लेविड ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी ऑफ द गुड्स इनटू इंडिया क्लियर एज पर द रेट्स गिवन इन कस्टम टैरिफ एक्ट ओके इंपोर्ट बिगिंस व्हेन गुड्स एंटर द इंडियन टेरिटोरियल वाटर ध्यान देना बेटा क्लियर सर इंपोर्ट का टैक्स रिलीफ आएगा कब जब जब गुड्स आर प्रेजेंटेड कस्टम पोर्ट एंड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड एंड सर इंपोर्ट कंप्लीट्स व्हेन गुड्स क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर क्लियर आफ्टर पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी बच्चा ओके सर एक्सपोर्ट के केस में Tax will be paid when goods are presented at custom port and shipping bill is filed and export completes when goods cross the Indian territorial waters. Clear? India ka definition kya? India means landmass plus Indian territorial waters jo ki 12 nautical mile plus oil rigs zyada hai bacha. Such installation structure or vessel which are installed for the purpose of extraction or production or prospecting of what? Mineral oil and natural gas in the continental shelf and exclusive economic zone of India. Mahol. Sarkar. Fir aata hai kya? Section number 15 or 16 relevant date for retrograde and tariff value. In case of import, yada hai bata? कस्टम चार्ज की हुआ टू इक्वलाइज किस दिन इक्वलाइज जब डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट करेगा डोमेस्टिक मार्केट से कॉम्पीट कब करेगा जब डोमेस्टिक मार्केट में जाएगा कब जाएगा जब बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन या ग्रांट ऑफ एंट्री इनवर्ड व्हिच एवर इज लेटर और व्हीकल और एयरक्राफ्ट केस में बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन और अराइवल ऑफ व्हीकल या एयरक्राफ्ट व्हिच एवर इज लेटर बच्चा क्लियर और अगर आपने वेयर हाउसिंग कराया था फिर क्लियर कराया तो ऑब्वियसली बात है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन जब फाइल करेंगे एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन उस दिन का रिलेवेंट डेट होगा क्योंकि इसमें एंट्री इनवर्ड तो पहले ही मिल गया होगा बेटा वैसे भी ओके एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ओके सर ध्यान देना ये प्रोविजन बाय पोस्ट अगर आपने इंपोर्ट किया या बैगेज आप लेके आए उस पर अप्लाई नहीं होता उस पर सेपरेट दूसरा प्रोविजन दे रखे वैसे भी बेटा बैगेज केस में जब बैग प्रेजेंट करोगे वो रिलेवेंट डेट होती है और बाय पोस्ट अगर इंपोर्ट किया है तो जिस दिन वो पोस्टल अथॉरिटी लिस्ट बनाता बेटा याद है गुड्स का वो पोस्टल अथॉरिटी लिस्ट सबमिट करेगा किसको कस्टम ऑफिसर दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में रिलेवेंट डेट क्या होगा जिस दिन परमिशन फॉर एक्सपोर्ट मिला लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 51 दैट डेट इज द रिलेवेंट डेट फॉर द पर्पस ऑफ रेट ऑफ ड्यूटी एंड टैरिफ वैल्यू एंड हां एनी अदर केस डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी दिस प्रोविजन विल अप्लाई भले गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ बाय वेसल व्हीकल या एयरक्राफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा ओके डीटीए से एसीजेड अगर माल सप्लाई किया तो इस पर कस्टम्स एक्ट 1962 वो एक्सपोर्ट नहीं क्योंकि एक्सपोर्ट का मीनिंग होता है क्या टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया इसलिए एसआर स्टील लिमिटेड और तिरुपति उद्योग लिमिटेड में जजमेंट आया क्या डीटीए से एसीजेड ले आने पर उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे और एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा सेक्शन 17 आता है क्या असेसमेंट ऑफ ड्यूटी सर एवरी इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल फाइल करेगा उसमें सेल्फ असेसमेंट करके लेके आएगा और सर टैक्स अमाउंट बताएगा असेस करेगा प्लस मैक्सिमम पॉसिबल डॉक्यूमेंट एड्रेस करता है बच्चा वो उसके अंदर क्लियर अब सर ध्यान देना कस्टम ऑफिसर वो क्या करेगा वो ऑनलाइन बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा या शिपिंग बिल फाइल करेगा उसको डिपार्टमेंट क्या करेगा वेरीफाई करेगा प्लस इस बार ऐड हो गया कि वो रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम के बेस पर क्या करेंगे कस्टम्स ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम करेंगे और देखेंगे कि कौन रैंडम बेस पे वो सेलेक्ट करेंगे रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम के बेस पर कि मेरे को कौन कौन से बिल ऑफ एंट्री को वेरीफाई करना और वो पता है क्या करेंगे एवरी बिल ऑफ एंट्री मतलब जो भी बिल ऑफ एंट्री उन्होंने सेलेक्ट करी बेटा रिस्क इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के थ्रू सर उसमें हर एंट्री को भी वो चेक करेंगे मतलब बिल ऑफ एंट्री में जो भी आपने एंट्रीज लिखी है उन सबको भी वो वेरीफाई करेंगे असेस करेंगे एवरीथिंग इज ओके और नॉट क्लियर सर अब उन्होंने असेस किया वेरीफाई किया क्लियर और वेरिफिकेशन के लिए उनसे कोई आपको आपसे कोई डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह चाहिए इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी कॉपरेट करना पड़ेगा क्लियर अच्छा उन्होंने असेस किया उनको लगता है एवरीथिंग इज ओके तो जब आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल की उसको एक्सेप्ट करके वो क्या कर देंगे रिटर्न कर देंगे ऑनलाइन आपको कि बिल ऑफ एंट्री असेस होगी बच्चा पर अगर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है देन ही कैन रीअसेस द गुड्स और रीअसेस किया तो वो रीअसेस बिल ऑफ एंट्री आपको क्या करेगा रिटर्न करेगा पर अगर आपको रीअसेसमेंट एक्सेप्ट हो गया तो बात खत्म अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो ही विल पास अ स्पीकिंग ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर जो बोलेगा क्या रीजन बोलेगा मैंने रीअसेसमेंट क्यों किया क्लियर और सर ध्यान देना ये स्पीकिंग ऑर्डर पास करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 15 डेज क्लियर पक्का बच्चा डन और ध्यान देना पहले यहाँ पे था क्या पोस्ट क्लियरेंस ऑन साइट ऑडिट कर सकता है पर ऑडिट का यहाँ से पॉइंट हटा के पूरा नया एक उसके लिए सर बेयर एक्ट में चैप्टर डाल दिया एक नया सेक्शन डाल दिया बेटा वो बोलता है क्या डिपार्टमेंट कहीं भी आके कभी भी आफ्टर क्लियरेंस वो क्या कर सकता है बच्चा आपके प्रीमाइस पे आके वेरीफाई कर सकता है ऑडिट कर सकता है प्रॉपर और ऑडिट करना है तो कॉपरेट करना पड़ेगा सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेटा पूरा सेक्शन अलग से दिया इसलिए ऐसा हटाया बच्चा ओके फिर आता है क्या प्रोविजनल असेसमेंट अगर आपने सेल्फ असेस आप नहीं कर पा रहे हो या डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाया नहीं दे पा रहे हो या कम दे पा रहे हो सर या आपके गुड्स का सैंपल निकाल के टेस्टिंग के लिए भेजा लेबोरेटरी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा तो ऐसे केस में आपकी रिक्वेस्ट पे एक बार प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो क्या कर सकता है प्रोविजनल असेसमेंट पर प्रोविजनल असेसमेंट इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो दोनों केस में प्रोविजनल असेसमेंट अलाउड हो जाएगा बच्चा क्लियर और प्रोविजनल असेसमेंट विल बी डन इन द सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और इस बार मैकेनिज्म इसके लिए रेगुलेशन भी बना दिया सीबीआईसी ने वो मैं बताऊंगा आपको दो मिनट बाद अब मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 1000 में बेटा वो ऑर्डर पास करेगा आपसे बोन साइन करवाएगा कि जो भी डिफरेंस होगा मैं पे करूंगा बाद में अलोंग विद इंटरेस्ट
ओके प्रोविजनल असेसमेंट हो गया बेटा, अब मान लो आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाएंगे, वो देंगे बेटा आप इन्फॉर्मेशन वगैरह, उसका टाइम देकर बताऊंगा तुम्हें 2 मिनट को, क्लियर? आपने इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिया, चलो बताता हूँ साथ में बेटा, प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर पास किया बेटा, उसके बाद आपको विद इन 1 मंथ विद इन ऐसा डिपार्टमेंट आपको 15 डेज में इन्फॉर्मेशन मंगाएगा, ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और चाहिए, क्लियर? प्रोविजनल असेसमेंट का जब ऑर्डर पास हो उसके 1 महीने में आपको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड देने पड़ेंगे, लेट हो गए तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो फर्दर आपको टाइम दे सकता है, बट नॉट मोर देन 3 मंथ्स, उससे भी ज्यादा लेट हो गए तो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से आप फर्दर टाइम मांग सकते हो, वो फर्दर 3 महीने का टाइम आपको और दे सकता है, और उससे भी ज्यादा लेट हो गए तो कमिश्नर चाहे तो फिर फर्दर आपको जितना टाइम उसको लगता है रीजनेबल उतना टाइम आपको और देगा इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह देने के लिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो देनी है आपको वन इंस्टेंस में देनी है, ऐसा नहीं बार बार एक डॉक्यूमेंट ला रहे फिर बाद में एक लाया, सब एक साथ देनी बेचा आपको, क्लियर? और रिटर्न में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी आपको, ओके? तो टाइम कितना हो गया बेटा 1 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस 3 मंथ प्लस जो टाइम कमीशन अलाउ करेगा वो, दिस इज द टाइम टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन। आपने सारी सबमिट कर दी इन्फॉर्मेशन वगैरह या टेस्टिंग की रिपोर्ट वगैरह आ गई, तो जिस वजह से प्रोविजनल असेसमेंट किया था वो रीजन सीज हो गया बच्चा, मतलब वो कंडीशन पूरी होगी, तो ऐसे कैसे डिपार्टमेंट क्या करेगा, फाइनल असेसमेंट करेगा, कितने टाइम में सर? उसको बोला 2 महीने में ऑर्डर पास कर देना, जिस दिन तक तो कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए उससे 2 महीने में ऑर्डर पास कर देना, पर अगर लेट हो गया तो कमीशन चाहे तो क्या कर सकता है, उस प्रॉपर ऑफिसर को 3 महीने का टाइम और दे सकता है, क्लियर? उसने प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर क्या कर दिया, फाइनल असेसमेंट कर दिया बेटा, ऑर्डर पास कर दिया, ऑर्डर की कॉपी आपके पास आएगी। अब सुनो बच्चा, मान लो प्रोविजनल असेसमेंट हुआ 1000 में, फाइनल हुआ कितने में बच्चा 1200 में, तो 200 आप पे करेंगे अलोंग विद इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट आप पे करेंगे कब से कब तक पे करेंगे, जिस महीने में प्रोविजनल असेसमेंट हुआ था उस मंथ की फर्स्ट डे से लेके जब आप पे करेंगे डिफरेंशियल, तब तक का इंटरेस्ट कितना 15% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। पर अगर फाइनल असेसमेंट हुआ कितने में बचा 700 में, तो रिफंड मिलेगा, रिफंड विल बी अलाउड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एंड रिफंड मिलेगा, मान लो आपको एलिजिबल बचा। अब जिसने अप्लाई किया रिफंड के लिए वो मान लो एलिजिबल है, तो जिस दिन आपने अप्लाई किया, क्लियर? अब देना गवर्नमेंट रिफंड देगा बेटा। अब आपने कब अप्लाई किया उसे कंसर्न नहीं है, जिस दिन फाइनल असेसमेंट हुआ था उसके 3 महीने में अगर रिफंड नहीं मिला आपको, भले आपने लेट अप्लाई किया कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 3 महीने बाद वाले पीरियड के लिए आपको मिलेगा क्या इंटरेस्ट पर, कितना 6% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, जिस अमाउंट पे जितना अमाउंट रिफंड वाला आता है बच्चा उतने अमाउंट पे, क्लियर? और अगर रिफंड आपको नहीं बनता तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर देंगे, और सर जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए कॉपरेट करना पड़ेगा। और सर देना रेगुलेशन लास्ट में बोलता है क्या, अगर आपने रेगुलेट इनमें हेल्प नहीं करी डिपार्टमेंट की, मदद नहीं किया, झूठ बोला, फ्रॉड किया, क्लियर, तो 50,000 तक का पेनल्टी आप पे लग सकता है बच्चा, क्लियर? ये था सेक्शन नंबर 18। आता सेक्शन नंबर 19, क्लासिफिकेशन कोड्स। अगर आपने कभी भी सेट ऑफ आर्टिकल इंपोर्ट कर लिया और सब पे स्पेसिफिक ड्यूटी बेटा, अमाउंट पर यूनिट फिक्स है, तो बात करता हूं बच्चा, पर अगर सेट ऑफ आर्टिकल इंपोर्ट किया और वैल्यू एक साथ पे किया और सब पे रेट ऑफ ड्यूटी क्या है, एड वैलोरम, मतलब परसेंटेज ऑफ द वैल्यू बच्चा। अब इंडिविजुअल गुड्स की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, इसलिए ऐसे केस में सर जो टोटल वैल्यू था उसका हाईएस्ट रेट जो होगा उन गुड्स में, जितना भी गुड्स सारी गुड्स देखना उसमें हाईएस्ट रेट ऑफ ड्यूटी जिस पे होगा उसमें क्लासिफाई कर देंगे पूरे सेट ऑफ आर्टिकल को, और उस रेट से कस्टम लग जाएगा पूरे अमाउंट पे बेटा, क्लियर? पर अगर इनमें से किसी स्पेसिफिक गुड्स का वैल्यू निकाल सकते हो तो रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक वैल्यू का, रेस्पेक्टिव स्पेसिफिक गुड्स का रेस्पेक्टिव वैल्यू जो है उस पर टैक्स लगा देना रेस्पेक्टिव रेट से बेटा, और बाकी पे क्या लग जाएगा हाईएस्ट। और हाँ ध्यान रखना, कभी भी अपने पार्ट्स कंपोनेंट से एक्सेसरीज इंपोर्ट करिए अलोंग विद द मेन गुड्स, और अगर एसेशनल क्वांटिटी में है तो उसको सेपरेट गुड्स नहीं मानेंगे, पर अगर वो एडिशनल क्वांटिटी में है तो उसको सेपरेट गुड्स मानेंगे। याद आया, एक कार साथ में 20 टायर मंगा लिए तो टायर को सेपरेट गुड्स मानेंगे, और ऐसे किसमें अगर वैल्यू अलग से नहीं दे रखी है तो सेक्शन 19 लगेगा और हाईएस्ट रेट जो भी लगेगा बच्चा इसमें, क्लियर? डन। फिर आता है सेक्शन 21, जेटसम फ्लोटसम डायरेक्ट रेकेज। याद आया जेटसम फ्लोटसम डायरेक्ट रेकेज, अरे हाँ है ना, जेट्स मतलब गुड्स विच आर थ्रोन इन द सी इन बेड वेदर कंडीशन, फ्लोटसम गुड्स मेन अफ्लोट व्हेन शिप हैज संक, डायरेक्ट सर अनअटेंडेड बोट वेसल स्टीमर इन द सी इज कॉल्ड डायरेक्ट, और रेकेज मतलब ब्रोकन पार्ट्स ऑफ द संक शिप। अगर ये गुड्स कोई इंडिया में लेके आया या इंडिया में आ गई तो जो पर्सन इसका टाइटल क्लेम कर रहा है, ओनरशिप क्लेम कर रहा है, उसको कस्टम भी पे करना पड़ेगा, इसका वैल्यूएशन वैल्यूएशन रूल्स यूज करके या बेस्ट जजमेंट करके या इनका ऑक्शन करके डिपार्टमेंट क्या करेगा वैल्यू निकालेगा और उसका अमाउंट भी आपको पे करना पड़ेगा कस्टम्स, क्लियर? सर सेक्शन 22 खत्म होता है, 21 खत्म होता है। अब 22 बोलता है क्या, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स, और 23 बोलता है क्या, रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑन लॉस्ट डेस्टर्ड और अबेंडेंट गुड्स। 22 बोलता है क्या, अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन डैमेज गुड्स, अगर बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन किसी भी कारण से गुड्स आपका डैमेज हो गया विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो ऐसे केस में सर आपको आपको क्या मिल जाएगा, अबेट मिल जाएगा, और जितना प्रोपोर्शनल वैल्यू से कम हुआ उतना प्रोपोर्शन कस्टम क्या हो जाएगा, अबेट हो जाएगा, कम हो जाएगा बच्चा, क्लियर? सर देन देना 23 बोलता है क्या, रेमिशन ड्यूटी ऑन लॉस्ट डेस्टर्ड गुड्स, अगर कोई गुड्स लॉस हो गया डेस्टर्ड हो गया बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कस्टम्स, ऐसे केस में रेमिशन मिल जाएगा और कस्टम अगर आपने पे कर दिया तो आपको रिफंड मिल जाएगा, क्लियर? पर हाँ
अब आता है क्या अबंडेंट गुड्स अगर बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन किसी भी कारण से गुड्स आपको नहीं चाहिए भले वो पेटी पैक हो या थोड़ा सा डैमेज हो कैसा भी हो 100% किसी भी कारण से अगर आपको गुड्स नहीं चाहिए तो यू कैन रेलिंक्विश द टाइटल इन फेवर ऑफ कमीशन ऑफ कस्टम्स और टाइटल रेलिंक्विश कर दिया मतलब ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया इन फेवर ऑफ कमीशन ऑफ कस्टम्स डोनेट कर दिया गुड्स को आपने कस्टम वालों को तो ऐसे केस में कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है रेमिशन मिल जाएगा और कस्टम पे किया था आपने पहले तो उसका रिफंड मिल जाएगा होता ना सेल्फ असेस करके आपने एडवांस में टैक्स पे कर दिया बाद में गुड्स आया पता पड़ा गुड्स वर डिफेक्टिव या नोट इस पर स्पेसिफिकेशन तो रेमिशन के लिए अप्लाई कर दिया रेलिंक्विशमेंट कर दिया रिफंड मिल जाएगा बच्चा आपको और पे ही नहीं किया तो ठीक है पे करने की जरूरत भी नहीं बट आपको रेमिशन मिल जाएगा क्लियर पर अगर कोई गुड्स ऑफेंडेड है तो उसके लिए आपको रेमिशन अलाउ नहीं होता है क्लियर माहौल और ध्यान रखना बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा पर हाँ मान लो आपने गुड्स क्लियर करा दी फॉर होम कंजम्पशन और फिर घर जाके जब बॉक्स खोले तो पता पड़ा गुड्स वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव तो इस पर सेक्शन में 26A जो आपने कस्टम पे किया उसका क्या मिल जाएगा रिफंड मिल जाएगा पर सर जिस दिन आपने क्लियर कराया फॉर होम कंजम्पशन उसके 30 दिन में आपको गुड्स को वापस प्रेजेंट करना पड़ेगा कस्टम पोर्ट पर रेलिंक्विशमेंट करना पड़ेगा या फिर कस्टम ऑफिसर की प्रेजेंस में उसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा या फिर वापस से क्या करना पड़ेगा एक्सपोर्ट तो रिफंड मिलेगा नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा और हाँ एक्सपायर्ड गुड्स थे पेरिशेबल नेचर गुड्स थे और गुड्स एक्सपायर हो गए उसके बाद आप लेके आए तो ऐसे केस में रेमिशन आपको नहीं मिलेगा और हाँ 30 दिन में आपको लाना पड़ेगा रेमिशन के लिए बच्चा पर अगर आप लेट हो गए तो कमीशन चाहे तो फर्दर टाइम आपको अलाउ कर सकता है पर नॉट मोर देन फर्दर 3 मोर मंथ बेटा तो 30 दिन प्लस 3 महीने बच्चा हाँ है ना माहौल सर सिम्फनी सर्विसेज कॉर्पोरेशन के केस में सिम्फनी सर्विसेज कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के केस में जजमेंट था बेटा गुड्स इतना सा डैमेज हो गया और एसोसिएशन ने अप्लाई किया किसके लिए रेमिशन के लिए तो सरकार गवर्नमेंट था क्या हम रेमिशन नहीं देंगे हमको आपको इतना सा डैमेज हुआ है तो अबेटमेंट देंगे बोला क्या अरे भाई आपको रेमिशन देना पड़ेगा कर्नाटक हाईकोर्ट ने बोला क्या रेमिशन देना पड़ेगा भले इतना सा डैमेज किया मैं तो करूँ पेटी पैक माल था तो भी क्या करना पड़ेगा रेमिशन अलाउ करना पड़ेगा अगर उसने रेलिंक्विशन किया है तो बच्चा हाँ है ना नेक्स्ट सेक्शन आता है क्या सेक्शन 24 डीनेचरिंग ऑफ द गुड्स और म्यूटिलेशन ऑफ द गुड्स सर नेचर चेंज करना या खराब करना पर पूरा खराब नहीं करना Something less than destruction is called, sir, mutilation. अब सर कोई भी ज्यादा है शराब दारू इंपोर्ट करी बट आपने उसमें कुछ प्रिस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट आपने इनपुट आपने इंपोर्ट क्या कर दिया मिक्स कर दिया सो दैट इट रिमेन कैपेबल ऑफ बींग यूज फॉर पर्टिकुलर यूज होने बच्चा तो जिस यूज के बच्चे उस यूज के अकॉर्डिंग जो कस्टमर था वही कस्टमर लगेगा बेटा क्लियर जैसे एल्कोहल में आपने इथेनॉल मिक्स कर दिया तो नाउ इट इज नाउ फिट फॉर इंडस्ट्री यूज ओनली तो इंडस्ट्री यूज पर जो रेट लगता है कस्टम का वही लगेगा बच्चा डन सर फिर आता सेक्शन नंबर 20 और 26 सुना दोनों को मर्ज कर पा रहा हूँ एक साथ अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया सुना चलो वापस बोलता हूं मैं अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स वापस इंडिया में आ गया बाय वे ऑफ रीसेल आया तो मतलब नॉर्मल इंपोर्ट हुआ है और नॉर्मल इंपोर्ट हुआ तो नॉर्मल कस्टमर लगाना दिमाग खराब नहीं करना बच्चा सर पर अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स वापस आ गया इंडिया में बाय वे ऑफ सेल रिटर्न अदरवाइज देन रिवाइव रीसेल तो ऐसे केस में सर पहली बात तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं बोलना है नॉर्मल कोई कस्टमर नहीं लेगा दूसरी बात आपने एक्सपोर्ट करने पर अगर कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करी थी और वो गुड्स वापस रिटर्न हो गया विद इन 1 ईयर तो ऐसे केस में वो उस एक्सपोर्ट ड्यूटी का आपको क्या मिल जाएगा रिफंड मिल जाएगा तीसरी बात अगर आपने एक्सपोर्ट किया था तो आपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव लिए थे बेटा ड्रॉबैक लिया था रिबेट वगैरह लिया रिफंड वगैरह कुछ लिया आपने तो ऐसे केस में वो गुड्स अगर 3 साल में वापस आ गया विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर्ड और रीप्रोसेस तो पहली बात तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानेंगे पर जो आपने कस्टम के बेनिफिट लिए तो वो आपको वापस पे करना पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ कस्टम्स ड्यूटी क्लियर नेक्स्ट बात अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और वो वापस आ गया फॉर द पर्पज ऑफ रिपेयर्स तो रिपेयर्स या रिकंडीशन किया विद इन 3 ईयर और नेपाल से आया तो 10 साल के अंदर आ गया है या फिर रीमेकिंग रीप्रोसेसिंग या रिफाइनिंग के लिए आया या सच प्रोसेस के लिए आया विद इन 1 ईयर और आपने ये प्रोसेस करीब वापस विद इन 6 मंथ भेज दिया है या कमीशन चाहे तो 6 महीने का टाइम आपको दे सकता है प्लस एसीडीसी मस्ट भी सेटिस्फाइड कि जो गुड्स आया था वही वापस गया है बेटा तो ऐसे केस में कोई कस्टम वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है प्लस जब गुड्स आएगा तो भाई बॉन्ड साइन करोगे कि ये गुड्स रिपेयरिंग वगैरह के लिए आया है और मैं प्रोसेस करके वापस भेज दूंगा और नहीं भेजा मैंने टाइम पे वापस है तो मेरे से आप रिकवरी कर सकते हो एंड लास्ट जो इस बार सेक्शन 2 ऐड हुए बेटा गवर्नमेंट अच्छा एक बात और बाकी बेटा अगर कोई गुड्स आपने इंडिया में था और इंडिया से बाहर भेजा रिपेयरिंग के लिए बेटा और वो गुड्स रिपेयरिंग होकर वापस आ गया विद इन 3 ईयर्स विदाउट बीइंग रीमैन्युफैक्चर और रीप्रोसेस तो वो उस गुड्स पे पूरे पे कस्टम नहीं लगाएंगे पर उसका जो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग होगा इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ पार्ट्स और कंपोनेंट्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज इस अमाउंट में क्या लग जाएगा कस्टम्स लग जाएगा और कस्टम पे करना पड़ेगा बच्चा पर किस पे फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स पे भले ही उसने मेरे से चार्ज किया या नहीं किया प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज बच्चा हाँ है ना डन सीए फाइनल में क्वेश्चन भी आया था ये अब सेक्शन में 25A ऐड हुआ है 25B ऐड हुआ है और वो पता है क्या बोलता है बच्चा 25B पहले बोलता हूँ बेटा अगर आपने कोई गुड्स बाहर भेजा प्रोसेसिंग के लिए रिपेयरिंग के लिए या एनी अदर प्रोसेस के लिए बच्चा तो अभी तो मैंने क्या बताया फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग पे टैक्स लगेगा है पर गवर्नमेंट ने पावर दिया है कि गवर्नमेंट को पावर है कि सर वो चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर दे और नोटिफाई करके बोलते कि
इनको अगर रिपेयरिंग के लिए या कुछ प्रोसेस के लिए आपने बाहर भेजा है तो जब प्रोसेस होकर वापस इंडिया में वो गुड्स आएगा तब इस पे कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, पर कंडीशन क्या है, जब आपने भेजा उसके एक साल में वो गुड्स वापस आ जाना चाहिए, प्लस जो गुड्स गया था वो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि वही गुड्स आया है बच्चा, प्लस अदर कंडीशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। तो नोटिफाई अगर कर दिया तो कस्टम नहीं लगेगा बच्चा, नोटिफाई नहीं किया तो जो कस्टम लगता है मैंने बताया फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग उस पर लग जाएगा बच्चा। एंड सेम पॉइंट, अगर कोई गुड्स इंडिया में आया रिपेयरिंग के लिए और रिपेयरिंग होकर वापस चला गया विद इन वन ईयर, तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर दे, नोटिफाई करके बोल दे क्या कि कोई गुड्स अगर इंडिया में आया और रिपेयरिंग होकर वापस बाहर चला गया है, रिपेयरिंग या अदर सच फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर विद इन वन ईयर अगर वापस चला गया, गुड्स वही गया वापस बाहर जो आया था बेटा, प्लस सच अदर कंडीशन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, क्लियर सर? अगर वो पूरा करते तो ऐसे केस में कोई कस्टम वाली बात नहीं आएगी, कोई बेनिफिट विड्रॉ नहीं होंगे बेटा आपके। अरे क्लियर, इसी के साथ सर भारत माता की जय, और ये चैप्टर नंबर 27 भी पूरा खत्म होता है अब।